टुडेस शो मेरी एक्साइटेड बिकॉज गेम सारी उर्दू आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्साइटेड के लिए लफ्ज क्या होगा उर्दू मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बिकॉज जो आज के मेरे मेहमान हैं वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. और वाई आई एम सेइंग वेरी वेरी ह्यूज सेलिब्रिटी बिकॉज बाज लोग जो होते हैं, जैसे आपको पता है कि हम लोग आते हैं एक प्रोग्राम के बाद बहुत सारे ड्रामे कर जाते हैं एंड पीपल जस्ट फॉरगेट या उनको पता अच्छा एक या सम पीपल जस्ट कम एंड डू अ कपल ऑफ प्लेज और एटलीस्ट हैव डन प्लेज. एंड आई थिंक फॉर द लास्ट 12 इयर्स इन्होंने स्क्रीन पे आप इनको नहीं देखा होगा, बट दीज आर अनफॉरगेटेबल पीपल, अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेज. नॉट ओनली इज ही अ ह्यूज टेलीविजन सेलिब्रिटी, ही इज ऑल्सो अ ह्यूज फिल्म स्टार एंड ही इज एन एडमन. आई एम वेरी वेरी हैप्पी proud to have him on my show today. Asif Razan, after years. Thank you for a great introduction. That's my biggest test actually. And thank you. I'm glad that he said that because I get really proud when someone says. Anyway, kya haal hai? Bilkul theek. 12 saal. 12 saal. Lekin ab to we are seeing you on PTV. PTV पे अभी शुरू हुआ, that's the first play since I'm back. उसके बाद अब आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि काम पिछले 4-5 महीने से कर रहा हूँ. आई थिंक अब तो आपको ऐसी बुकिंग आएगी ऐसी बिकॉज नाउ तो इट इज दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम. इट्स वेरी अनयूजुअल, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, है ना. टाइम्स आर डिफरेंट. पहले तो हम लोगों को मुझे जब याद है, आप तो आपको ज्यादा याद होगा, लेकिन मुझे याद है कि जब हम एक क्वार्टर करते थे पीटीवी पे दूसरे क्वार्टर में हमको आने की इजाजत नहीं होती थी. लेकिन अब तो इट्स लाइक डाइम डजमेंट. लेकिन अब कैसा लग रहा है एक तो इतने अरसे बाद फिर बहुत सारी बातें करेंगे क्यों गए क्यों गायब हो गए थे, लेकिन अभी जो लेट्स जस्ट कंपेयर इट टू व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट्स नाउ टेलीविजन. आई थिंक द टाइम्स आर वेरी एक्साइटिंग. बहुत अच्छा वक्त है, बहुत पोटेंशियल है आज के वक्त में. एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो रही है एंड देयर इज नो लिमिट. कोई रुकावट नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट ट्राई कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट ट्राई नहीं कर सकते. उसके अलावा बाकी आप जो आपके जहन में आता है जो आप करना चाहते हैं वो कर रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट आई सी टुडे, अ लॉट ऑफ यंग पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स नहीं कर सके थे आज कर रहे हैं. वी आर इन कंपटीशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज गुड, क्योंकि हम एक अपनी दुनिया में बैठे हुए थे. हम कहते थे कि जी हमारे ड्रामे हमारी दुनिया, हम वी वर सॉर्ट ऑफ वी आर कंप्लेसेंट हो गए थे, एक जगह बैठ गए थे आके. बट आज हम कम्पीट कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ and on good grounds. People are comparing which was limited to a very few people. Koshish kar doing very well actually. And so there is a lot of talent today, there's a lot of excitement. Quality of vision bahut improved ho gayi because competition ki wajah se logon ko rozgar bahut mila hai jo tasavvur bhi nahi kar sakte. Exactly, balki keh rahe saturation to nahi balki kam log, ab log mil nahi rahe logon ki zarurat hai. Exactly. Aur main har jagah jahan jata hu yahi kehta hu ki bhai जो हमारे यंग लोग हैं या हमारे जो लोग इस प्रोफेशन के बारे में कभी पहले सोचा नहीं था उनको सोचना चाहिए. इट्स अ वेल पेइंग प्रोफेशन, इट्स अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन और देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट. बिकॉज जैसे आप एक्सपेरिमेंटल काम की बात करें, बहुत सारी ऐसी आपको चीजें नजर आ रही हैं जो उसको इजीली एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं बिकॉज बात जो है मेरी समझ के भी बट इट्स वेरी गुड बिकॉज रुकावट नहीं है उनकी. आई थिंक उसमें नए लड़कों लड़कियों के साथ एज डायरेक्टर्स काम किया या ज्यादातर जो मैंने जिनके साथ काम किया है एक्सेप्ट जो अभी मेरा प्ले चल रहा है वो पीटीवी का, उसके अलावा बाकी सब नया टैलेंट है. डायरेक्टर्स भी, कैमरामैन भी और रिकॉर्डिस्ट भी और यू नो आई फाइंड देम वेरी एनर्जेटिक, वांट टू मेक अ चेंज व्हिच इज गुड. डायरेक्शन मिलती है, डू गेट डायरेक्टेड? बिकॉज मुझे ये एक चीज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं काम, मुझे ये एक चीज महसूस हुई थी कि अब डायरेक्टर्स डायरेक्ट नहीं कर रहे, यू नो देर ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन वो समझते हैं कि बिकॉज आपके पास पहले से टैलेंट है आप काम कर लोगे. और आई थिंक कोई हरज नहीं है इसमें.
उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जी हम किसी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को लेते हैं तो उससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए. ऑल्दो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ये ना इम्पोज करना शुरू करें कि जी हमें तो सब कुछ आता है तो आपको क्या आता है. इज द डायरेक्टर और शी इज द डायरेक्टर और उसकी लाइन को आपको फॉलो करना है. वेर एवर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट यू शुड. और लेकिन डायरेक्शन है, लोगों में फोकस है, कंपेयर करते हैं, दुनिया देखी है ना, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है आज. सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग एज एन एक्टर. आई थिंक मुझे जो सबसे बड़ा एडवांटेज नजर आया वो ये है कि पहले हमारे पास वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स नहीं थे जो आज करने को मिल रहे हैं. मैंने पिछले जनवरी के एंड में मैंने काम शुरू किया और अभी तक जितने मैंने सीरियल्स किए हैं एवरी रोल इज डिफरेंट. Excellent. Every role is demanding. So ये variety पहले नहीं थी. So the artist can experiment और आपको time मिलता है कि आप long term काम कर सकते हैं because आप इतनी अपने बारे में चीजें explore कर रहे हैं हर रोज and people are looking at you from different angles. So I think it's a great time. It's a great time. एक और मैं सवाल पूछूंगी. जब आप almost मैं कह सकती हूँ disappeared from the screen. You were still getting lead. It's very difficult to do that. फिर आपको लीड रोल मिलते as a hero. अब आपको you're getting the same type of roles or are they second tier but very important roles? और अगर मिल गए तो वो change कैसा लग रहा है? Actually, I'm very fortunate. I'm very lucky. My roles are still central. Central. They may not necessarily be heroes, which I really don't want to, because I look at the mirror every day. लेकिन they are all central characters. Story uske ke revolve kar rahi hai. It may be of a father, it may be of a professor, but you know they are good roles, they are stable roles. Aur usme aapko options bahut sare mil jate hain perform karne. So that's the advantage. You're enjoying that. I'm enjoying it. Bahut sare log jo hain they can't let go. ट्रांजिशन करना होता है फ्रॉम यंग टू ओल्ड, वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के. लेकिन आई थिंक आप शायद अग्री करें शायद ना करें, लेकिन जो हम किसी डब कर दिए कैरेक्टर रोल्स व्हिच आई थिंक आर द मोस्ट एक्साइटिंग. दे आर वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आपका जो हीरो होता है वो बेचारा वी नो उसका एक लिमिट. हाँ, देयर इज अ लिमिट कि उसने इश्क करना है और उसने या लड़ाइयां करनी है या उसने. नहीं, आई थिंक ये यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस तरह के रोल्स में आपको क्योंकि वेरिएशन मिलती है तो आपके पास आप एक्साइटमेंट रहती है आपको कि यार व्हाट इज द न्यू चैलेंज टुडे. अ लॉट ऑफ थिंग्स यू डू इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनालिटी. अभी एक सीरियल मैंने किया है, आई एम प्लेइंग ट्वाइस माय एज. अच्छा. नाउ यू हैव टू गेस माय एज बिफोर. लेकिन मेरी आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर हुज अ लैंडलॉर्ड एंड यू नो एज उसकी ज्यादा है और गेटअप है और वो सारी चीजें हैं. इट्स अ प्ले कॉल्ड सरकार साहब. नाउ दैट्स अ सेंट्रल कैरेक्टर. आई वुड नॉट हैव इमेजिन डूइंग अ रोल लाइक दैट 20 इयर्स बैक. सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एक्सीलेंट, बिकॉज दैट्स वेरी गुड टू हियर. बिकॉज ज्यादातर आजकल की जो हम लोग बात करते हैं तो ज्यादा नेगेटिव में ही बातें हो रही हैं. कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग चली गई है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स नहीं मिलते कर.